कौशाम्बी जनपद के क्लब ब्लॉक के हुजरा शरीफ गांव का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पिछले एक महीने से बिजली नहीं आ रही है, जिससे यहां अजमल सहित 800 लोगों को बिजली के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और ये मेरा समुदाय। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। आज 15 दिन से लाइट की सबसे बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर फूंक गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सबसे ज़्यादा खेतों में जो बोया हुआ है, सबसे ज़्यादा उसकी दिक्कत है। जैसे कि अब पपीता की खेती है और उड़द की खेती है, इनमें पानी ना पाने से बहुत दिक्कत हो रही है। खरबूजे की खेती है, सब सूखा जा रहा है ट्रांसफार्मर न बैठने के कारण। हमारे गांव की 300 घर की आबादी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बैठ जाए, ताकि नुकसान ना हो खेती का। जी, हमारे यहाँ लाइट समस्या है, ट्रांसफार्मर गड़बड़ चल रहा है। कम ज़्यादा कभी लाइट घटती थी, कभी बढ़ती, तो उसके वगैरह से चार्जर काफ़ी जल गए, फैन वगैरह भी जल गए। और अभी 15 दिन से अभी ये हाल है कि एकदम भी लाइट नहीं आ रही, एकदम ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए आप लोगों ने कुछ किया? हाँ, ग्राम प्रधान को बोले। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। हमको ये दिक्कत हो रहा है कि हम पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, और अंधेरे में क्या करें। फ़ोन भी हमारे घर में है, दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, दूसरे गांव में चार्ज करके लाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि कौशाम्बी जनपद के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के मोबाइल नंबर 9450-9638-55 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।